Hello guys, and welcome to Aficionado's Den, where we stay in class. And guys, आज जो whisky मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है Royal Stag Barrel Select. तो Royal Stag as a brand was established in the year 1996, but उसका ये वाला variant market में आया था in the year 2011. तो ये उससे top वाला variant है, उससे ऊपर वाला variant है. तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड थोड़ी सी पोर करते हैं और देख थोड़ा विस्की खुल जाए तब तक हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत. तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, ढक्कन भी अच्छा है. तो चलिए करते हैं. और ये है Royal Stag Barrel Select. चलिए इसको खोलते हैं और करते हैं थोड़ा सा पोर. चलिए, तो जब तक ये विस्की थोड़ी सी खुलती है मैं आपको बताता हूँ इस विस्की के बारे में. ये विस्की ब्रांड ओन करता है पर्नो रिकॉर्ड और ये एक इंडियन विस्की है विच इज़ मेड ऑफ मॉल्ट्स स्कॉटलैंड से और प्रीमियम इंडियन ग्रेन स्पिरिट से बनी है ये विस्की. यस, इसमें मोलासेस नहीं ऐड किया जाता है, मोलासेस बेस्ड स्पिरिट्स नहीं ऐड की जाती हैं. ये सिर्फ मॉल्ट और ग्रेन विस्कीज से बनी है. एंड एक ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि ये एक विस्की ऐसी विस्की है या फिर एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक रेवोल्यूशन लेके आया था इंडियन मार्केट में, क्योंकि इन्होंने मोलासेस बेस्ड स्पिरिट्स नहीं ऐड करी अपनी विस्कीज में. प्लस इनकी जो बॉटल्स होती थी वो रिसाइकल नहीं होती थी, दे वर न्यू बॉटल्स. सो इसलिए दे हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द इंडियन विस्की मार्केट. तो चलिए अभी खुल गई है थोड़ी सी विस्की, लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. कलर की मैं अगर बात करूँ तो इट इज़ एम्बरिश इन कलर. चलिए नोजिंग करते हैं इसकी. इट इज़ गॉट क्वाइट अ मॉल्टीनेस इन इट, बट मोर देन दैट इसमें एक फ्रूटीनेस बहुत ज़्यादा है. मॉल्टीनेस के साथ साथ इसमें फ्रूटीनेस बहुत है, हनी के अरोमाज हैं इसमें. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग, देखते हैं टेस्ट कैसा है इस विस्की का. Along with the maltiness, जो कि बहुत कम है अब on the palate, fruitiness बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छी fruitiness है और honeyed notes बहुत हैं. अच्छा एक चीज़ और, इसमें smokiness भी है. तो ये तो हो गया first taste, let's get on to the second taste. Second taste में देखते हैं कि क्या whiskey offer कर रही है हमें. एक अल्कोहल का बर्न ज़रूर है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ माउथ फील की तो मीडियम माउथ फील है इस विस्की की. प्लस वो फ्रूटीनेस बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है विस्की में, ओकीनेस है थोड़ी सी. और बहुत बढ़िया हनी का फ्लेवर आ रहा है इसमें. तो चलिए लेट्स ऐड इन अ डैश ऑफ वाटर और देखते हैं फिर कि आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर ये विस्की क्या ऑफर करती है हमें. ओके,
और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं रॉयल स्टैग का रिव्यू कर चुका हूँ, तो अगर आपको रॉयल स्टैग के बारे में जानना है और इस ब्रांड के बारे में जानना है तो आपको आई सेक्शन में रॉयल स्टैग का रिव्यू मिल जाएगा। प्लीज़ गो हेड एंड वॉच दैट वीडियो एंड गेट टू नो मोर अबाउट रॉयल स्टैग। तो चलिए इसकी भी नोजिंग करते हैं। सरप्राइजिंगली फ्रूटीनेस तो बड़ी बड़ी है बट वो एक स्मोकीनेस बढ़ गई है और मॉल्टीनेस कम हो गई है पानी डालने से। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग। एक माउथ फील कम हो गया है, जो जितना मीडियम तक था इसका माउथ फील वो कम हो गया है, बट स्मोकीनेस हल्की सी इंक्रीज हुई है। फ्रूटीनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है विथ हनी नोट्स, हनी नोट्स भी और ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ऑफ कोर्स वो अब अल्कोहल का बर्न ख़त्म हो गया है, मे बी बिकॉज वाटर ऐड हो गया है तो अल्कोहल का असर थोड़ा कम हो गया है, बट येस डेफिनेटली एडिंग अ बिट ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज द अरोमाज ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज द स्मोकीनेस इन इट। नॉट क्वाइट प्रोमिनेंट स्मोकीनेस बट येस अ बिट ऑफ स्मोकीनेस। क्वाइट सरप्राइजिंगली वेलवेटी भी हो गई है थोड़ी सी जब मैंने पानी इसमें ऐड किया है। तो इफ आई टॉक अबाउट द एफिसनाडोज रिपोर्ट कार्ड फॉर दिस विस्की आई वुड गिव इट 8 ऑन टेस्ट एंड 8.5 फॉर द प्राइस। सो अगर इस विस्की के मैं एफिसनाडोज नंबर की बात करूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 8.25। हैविंग सेड दैट एज एफिसनाडोज डेन सेज स्टे क्लासी and cheers.